भाई राम राम सभी लोगों को। आज ट्रिप है अगर प्रदेश टू उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड में आज एक गुरुद्वारे जा रहे, वहाँ की सराउंडिंग्स भी कतई कर रही थी, तो वहाँ का प्रसाद भाई बहुत पसंद है मुझे। तो फिर चाचा चाची की एनिवर्सरी थी आज, और गुरुद्वारे के पीलीभीत में पार्टी है। अभी आधा रास्ता कवर कर लिया, पूरा फोटो वोटो खींचते हुए चल रहे हैं, बाकी वीडियो में आपको बताते ही रहूँगा। भाई ऐसे रास्ते पे चलना है, इधर नदी चल रही है अपने, और इधर अपना जंगल चल रहा है, और कभी कभी तो भाई इसी रोड पे शेर वेर भी निकल आते हैं। अभी पालतू हमारी विजय सिंह भदौरिया, बाकी इनके असली भाई लोग बाहर के बाहर बैठे हैं। ये देखिए मजा आया, देखिए आए थे बंदर थे इनके रहे, चाचा चाची शौर और रक्षिता सिंह। तो चलो भाई चलते हैं उत्तराखंड सीधे, आज पहाड़ नहीं दिखाएंगे, पहाड़ किसी और दिन दिखाएंगे, जब नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। आज सिर्फ समुंदर जंगल और बाकी मजे लीजिए आप लोग। आस पास का एटमॉस्फेयर बहुत ही गर्म रहा है, कार के अंदर बैठे हैं तो हवा तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग बहुत ही गहर हैं। वैसा वाला मौसम होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कह रही है हमारी माता श्री। चलो कोई बात नहीं, ऐसा वाला ही बहुत बढ़िया, घूमने को मिल रहे आज बहुत दिनों बाद, उत्तराखंड जा रहे हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड मिल रहे। लंगूरी बंदर दिखे और हमने सोचा चलो पूरनपुर ले चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले बंदर नहीं आएंगे, लेकिन इतना साहस नहीं जुटा पाए कि इनको पूरनपुर तक ले जाते। रुक चुके थे फ़ोटोशूट के लिए, कम से कम 50 फ़ोटो खिंचवाने के बाद अब कार में वापस बैठने लगे सब लोग, और अब निकलते हैं यहाँ से। आगे कोई बढ़िया स्पॉट दिखेगा तो फिर रुकेंगे फ़ोटोशूट के लिए। पूरे रास्ते बिल्कुल कतई फ़ोटोशूट वाला रास्ता बनाते हुए चलेंगे। चौकी भी है पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दियो कोई दिक्कत हो तो। निकलते हैं भाई, कितनी कहर जगह है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ पूरा, कभी भी किधर से भी कोई सा भी जानवर निकल सकता है। और वैसे तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम दिखते हैं जानवर, लेकिन क्या पता अपनी किस्मत अच्छी हो और कोई ना कोई जानवर दिख ही जाए। लो भाई बात ही कर रहे थे, हिरन दिख गया। ये देखिए बीच रोड पे ही चलते जब वो जा रहा है, ये भागा, तुरंत अंदर भाग जाते हैं जैसे ही कोई भी कार वार देखते हैं रोड पे। और हिरन तो दिखते ही रहता, काफ़ी कॉमन एनिमल है ये तो। ये देखिए कतई सपाट रोड है, क्योंकि यहीं से एंट्री होती है सफारी की। ऐसे चले तो कल तक पहुँचेंगे मंजिल पे। ये रक्षिता ब्लॉग में आएगी आज, रक्षिता और क्या ब्लॉग में आएगी, रक्षिता फेमस हो जाएगी। ये देखिए भाई सब जंगल के अंदर से मौज काटते हुए आ रहे हैं, सफारी जाती हैं जंगल के अंदर। अपनी प्राइवेट कार तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिजर्व है पूरा। यहाँ पे हम लोगों ने चाचा से कह दिया था कि इतनी धीरे स्पीड से चले तो फिर कल तक पहुँच पाएंगे। चाचा ने इतनी तेज कार भगाई, ये देखिए 9x करने पे ही वो दिख रही है क्रेटा सामने, वाइट कलर की जा रही है, कतई हवाई जहाज बन के ले गए कार को। लो भाई खटीमा पहुंच चुके हैं, और खटीमा की मार्केट में एंट्री ले ली है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है निकलने। भाई बहुत करीब मंजिल के, और ये देखिए अब भाई कतई मतलब जहर। एक तो इतना बढ़िया आसमान, और
अभी दिखाते हैं चल के पानी वाला सीन देख के, तो कहते फिदा हो जाओगे भाई, बने रहना कहते ब्लॉक पे। सामने देखिए रोड कितनी बढ़िया दिख रही, सामने सूरज मामा, सूरज जो भी होते हैं वो चमक रहे हैं, चंद मामा तो चंदा होते हैं, सूरज जो भी होते हैं चमक रहे हैं सामने, सूरज देवता। और अभी पानी वाला सीन दिखाऊंगा चल के ना भाई, कहते दीवाने हो जाओगे। पहले तो बहुत भूख लग रही है, ऊपर चलते चलते कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर दिखाएंगे सीन, क्योंकि पेट भरना सबसे ज़रूरी है भाई, क्योंकि लगातार बोलने में एनर्जी तो बहुत जाती है और सब्सक्राइब भी करते नहीं हो तुम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी। कार पार करते भाई ये कुल्फ़ी दिख गई मुझे, तो सबसे पहले तो कुल्फ़ी लेते हैं यहाँ से, कुल्फ़ी वाला ठेला दिख गया। ये अपनी आइसक्रीम लेके पहुँच चुके हैं उधर, और सब अपना अपना पेट पूजन शुरू कर दिया है। कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अब मोमोज़ की बारी है और मोमोज़ खाते हैं। और ये देखिए भाई व्यू, मतलब जहाँ से जहाँ तक नज़र जाएंगी ना, बस पानी और आसमान दो ही चीज़ें दिखेंगी। हम तो भाई जल्दी खा पी के वापस से ब्लॉग शूट करने लगे, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे थे, खाए जा रहे थे, तो चलो इनको खाने देते हैं और हम अपने ब्लॉग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो भाई कितना कर्रा सीन है। फिर मोमोज और बहुत कुछ खाने के बाद आखिरी में जब निकलने वाले थे तो आइसक्रीम, ये देखिए भाई पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा में, अब बढ़िया माथा टेकते हैं चल के। ये हमारी स्टोरेज हाउस, फिर से इनने कुछ ऑर्डर कर दिया है खाने को, ये नहीं मानती हैं, भरी रही हैं तब से, ये देख रहा होंगे आप क्या क्या ख़रीदा हमने, लेकिन और खा ये रही हैं बराबर, अभी यही खाएंगे बस दिखावे के लिए, हमारे आगे कर रखी इनने प्लेट, खाएंगे यही। तो भाई अब यहाँ पे बड़ा एक्साइटमेंट वाला सीन हुआ, अरे हम लोग तो एक बार को डर गए थे भाई, यहाँ पे लोग रोकने लगे और फिर इन लोगों ने हमें खबर दी कि आगे शेर बैठा हुआ है, तो फिर धीरे धीरे चलना, इन बाइक वालों को भी निकलवाना था, हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये बेचारे तो अगर शेर इनको पकड़ लेता तो खा ही जाता। तभी इनने कही थी अपनी कार धीरे धीरे आगे चलाना, और मतलब इन लोग को बचाने की जिम्मेदारी एक तरीके से हमारे हाथ में थी। और अभी बताया इनने कि 15 मिनट पहले यहीं रोड पर दिखाए शेर, तो फिर अभी भी हो सकता है वहीं बैठा हो, वैसे तो नहीं रुकता इतनी देर, अंदर चला जाता है भाई। ये खटीमा वाला जंगल ना इतना डेंजरस है कि यहाँ पे अगर रात में आओगे ना तो शेर दिखना कन्फर्म है। अगर हम लोग भी केक ना खरीदते, केक खरीदने के लिए नहीं रुके होते और कंटिन्यू चल रहे होते, तो अभी पक्का यहाँ पे शेर दिखता भाई, क्योंकि 15 मिनट पहले निकला है यहाँ से। लेकिन अब तो उम्मीद नहीं है कि वो रोड पर होगा, क्योंकि वो तुरंत रोड से अंदर चला जाता है जब उसको रात में लाइट वाइट दिखती है, क्योंकि भाई उसके भी सोने का टाइम हो जाता है, रात हो गई है काफ़ी। तो भाई गुरुद्वारे में माथा टेक के थोड़ा फिर खाना पीना हो गया था वहाँ पे, फिर निकलते समय रात हो गई है, अब चलते हैं रॉयल किंगडम और वहीं पे केक वेक कटवाते हैं चल के एनिवर्सरी का, चाची चाची चाचा चाची का, और फिर क्या, फिर भाई घर चलेंगे। पहुँच चुके हैं द रॉयल किंगडम रिजॉर्ट, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिजॉर्ट, करोड़ों का बना हुआ रिजॉर्ट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरा ही हुए। केक कट चुका है, टेबल सज चुकी है, अब शुरू करते हैं नाश्ता, फिर खाना, फिर चलते हैं घर।